Hi guys, welcome to my channel Digital Book. This is Ashish. Please like, subscribe and share my channel and press the bell icon so that you will never miss a video from Digital Book. So first of all, mo aji sorry kahibaku chahuchi kahiki na exam to sorry jaichi already and answer deba bi mor late hoijaichi kahiki na mor kichida kama thila seithi pai mu answer de parileni. So aji ame answer discuss kar deba. To discuss kariba agaru mu gote इम्पोर्टेंट जिनसटे कहवाक चाहूँगी कि प्ले स्टोर गोटे एप्टे अच्छे वर्क इंडिया कह कि ठीक अच्छे तो जो मैंने जॉब करने को भी पार्ट टाइम कि फुल टाइम जो मैंने जॉब करने को चाहूँगी से मैंने ये एप्टा को डाउनलोड करके एथरे अप्लाई करी पारिबे ठीक अच्छे तो फास्ट इंटरफेस तार एटा अच्छे जॉब अप्लाई सहित एथरे आउ भी किसीटा जिनस शिखा को मिले जोटा कि है जॉब कौन कौन अवेलेबल अच्छे से सब देख क्वालिफिकेशन हिसाब से तापरे हला एटा जो लर्न कहिके गुटे अछि एथिरे कोन होबो ना इंटरव्यू टिप्स तो एग्जाम पे कोन कोन दरकार इंटरव्यू पे कोन कोन दरकार से सब जिंस विषय रे सिखि पारबो एठी तापरे नेक्स्ट अछि एटे प्रोफाइल अछि प्रोफाइल रे निजर बायोडाटा वा डिटेल्स अपडेट करबो पड़िबो तापरे लास्ट को अछि शेयर एंड विन माने हला के शेयर करबो एंड Paytm रे तुमको कैशबैक आसीबो ठीक अछि तो मु डिस्क्रिप्शन रे यार लिंक भी दे देबी से लिंक को जाके डाउनलोड कर देबो तो क्वेश्चन सेक्शन को जीवा फर्स्ट क्वेश्चन कौन थिला कि ट्रायंगल एबीसी रे एसी इक्वल टू 2x एकक डी एसी ऊपर एक बिंदु जेपर कि एडी इक्वल टू बीडी इक्वल टू एक्स गुड सेकंड एक्चुअली क्वेश्चन में मोर क्लियर पाइनी मु जोडा पाइछि सेति पाई ठीक है एक्स माइनस वाई एकक तो जदि बीसी इक्वल टू टू रूट एक्स वाई एकक हुए तेबे त्रिभुजटी केउ प्रकार हबो ठीक अछि तो यार आंसर हला सूक्ष्म कोणी काहे कि ना ए सब जिंस पॉसिबल हबो जदि सेडा सूक्ष्म कोण त्रिभुज हबो ताहेले जाय एडा पॉसिबल हबो नहले हबोनी केमिति चेक करिवो ना समकोणी जदि हबो तो पिथागोरस उपपाद्य सटिस्फाई करूछि कि नाय सेडा देखिवो तम द्विबाहु हबोनी देन स्थूलकोणी भी हबनी तो यार आंसर है सूक्ष्मकोणी देन नेक्स्ट क्वेश्चन यार आंसर भी कर देछि एठी मु एक्चुअली एटा टी क्लियर देखा जाउनी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल एबीसी रो बाहु मानंकु पर्यायक्रमे वर्धित करा गले उत्पन्न बहिस्त कोण मानंकर समष्टि ओ अंतस्थ कोण मानंकर समष्टि मध्ये रे थिबा अंतर केते अंतर हबो यार आंसर 180 डिग्री काहे कि ना बहिस्त कोण मानकर समष्टि भी 180 डिग्री हुए आ अंतस्थ कोण रो समष्टि भी 180 डिग्री हुए ठीक अछि तो से 180 डिग्री रो डिफरेंस देन थर्ड क्वेश्चन कोण अछि फर्स्ट माने एठी उठे इनसो कहबा को चाहू छी कि एडा जोडा क्वेश्चन अछि सेटा सेट बी ठीक अछि आ सेट बी सेट सी सेट ए सेट डी सब प्राय समान थिला बस खाली तार क्वेश्चन रो पोजीशन आ ऑप्शन रो पोजीशन टिकट चेंज हे देला नहले क्वेश्चन रो समान थिला तीन नंबर क्वेश्चन ट्रायंगल एबीसी रो परिसीमा 28 सेंटीमीटर अटे बीसी माइनस एसी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एसी माइनस एबी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हेले बीसी रो दैर्घ्य केते हबो यार आंसर होची 12 सेंटीमीटर ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 3 यार आंसर होची 12 सेंटीमीटर परिसीमा देछि 28 सेंटीमीटर बीसी माइनस एसी देछि 2 सेंटीमीटर एसी माइनस एबी देछि 4 सेंटीमीटर एठी आमे बीसी काढि परबा तो बीसी केमदि काढिबा एबी जारे आमे एसी माइनस 4 अप्लाई करि परबा काहे कि ना एसी माइनस एबी इक्वल टू 4 जदि हला तो एबी इक्वल टू एसी माइनस 4 बीसी जारे कोन लिखि परबा एसी प्लस 2 एसी जारे एसी तो तीनटा को मिसे देले परिसीमा तीनटा बाहूर दैर्घ्यर समष्टि तो परिसीमा ना तो तीनटा मिसे देले केते हला 3 एसी इक्वल टू हला 28 प्लस 4 माइनस 2 इक्वल टू 30 तो एसी इक्वल टू केते हबो 10 सेंटीमीटर एसी जदि 10 सेंटीमीटर हला बीसी केते हबो बीसी माइनस 10 इक्वल टू 2 तो माइनस 10 आरो साइड को बोले कोन हबो प्लस 10 हे जइबो तो बीसी इक्वल टू हे जइबो 10 प्लस 2 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन थिला
ट्रायंगल एबीसी रे मेजर ऑफ एंगल ए एंगल बी ओ एंगल सी रो परिमाण रो अनुपात केते दिछि 1:1:2 हेले ए इज टू बी इज टू सी केते हबो तो ए इज टू बी इज टू सी केमती गाढिबा ट्रायंगल एबीसी रे ए बी सी 1:1:2 देछि तो एटा यदि 1 हला एटा यदि 1 हला एटा यदि 2 हला तो कोन हबो यारो आंसर हबो 1:1:2 यार आंसर हम 1:1:2 ए बी सी रो बाहुर अनुपात ठीक अच्छे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हला दत्त चित्र रे ए बी सी डी एक आयत चित्र एक्चुअली ए क्वेश्चन टा मु भी टिके कन्फ्यूज थिली सेति पई बेटर किछ गुडे भूल बतेबा अपेक्षा स्किप कर देवा भलो तो मु निजे कन्फ्यूज छी केतेटा क्वेश्चन पाखा पाखी 8-10 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन रो मु निजे कन्फ्यूज छी क्लियर नो सेति पई मु स्किप कर दउ छी 5 नंबर क्वेश्चन स्किप कर दउ छी। देन 6 नंबर क्वेश्चन हला ए बी सी रे बी डी मेजर ऑफ एंगल बी रो समद्विखंडक अटे मेजर ऑफ एंगल बी एस सी जदि 70 डिग्री और मेजर ऑफ एंगल ए डी भी जदि 65 डिग्री हेले मेजर ऑफ एंगल सी केते हबो तो क्वेश्चन नंबर 6 रो आंसर हला आंसर हबो 20 डिग्री ठीक अछि केमिति एटा देछि 70 डिग्री क्वेश्चन हम को कह देछि बी एस सी 70 डिग्री ए डी भी 65 डिग्री ए डी भी देछि 65 डिग्री एटा 65 एटा 70 आउ कोन देछि बस सेतिक देछि मेजर ऑफ एंगल सी केते हबो देछि मेजर ऑफ एंगल सी केमिति काढिबा एटा 70 एटा 65 माने एटा केते हबो 45 हबो एटा यदि 45 हला तो एटा भी 45 हबो काहे कि ना एटा हला बी डी टा हला यारो समद्विखंडक बी कोणर समद्विखंडक तापर एटा यदि 65 हला एटा केते हबो 115 हबो काहे कि ना ए टोटल टा हुए 180 डिग्री सेति पई एटा 65 हेले 65 को 180 रो माइनस कर देले 115 पाइबा तो 115 प्लस 45 आउ केते दरकार आउ 20 हेले 180 हबो काहे कि ना गोटे ट्रायंगल रो सब कोणर परिमाण रो समष्टि केते 180 डिग्री तो एटा हला 45 डिग्री एटा 115 डिग्री एटा केते हबो 20 डिग्री ठीक अछि तो यार आंसर हला 20 डिग्री। देन नेक्स्ट क्वेश्चन एटा भी स्किप करिछि मु 7 नंबर क्वेश्चन ठीक अछि। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 8 कौन अच्छी दत्त चित्र रे मेजर ऑफ एंगल बी इक्वल टू 80 डिग्री मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल टू 40 डिग्री अटे जदि एम बी एस सी रो समद्विखंडक एवं एन लंब बी सी हुए तो मेजर ऑफ एंगल एम एन केते हबो तो यार आंसर देखी देबा क्वेश्चन नंबर 8 रो आंसर हला 10 डिग्री ठीक अछि एटा 90 डिग्री एटा भी तो 90 डिग्री हबो तापर कोन देछि बी 80 डिग्री एटा 80 डिग्री एटा 90 डिग्री 90 प्लस 80 170 तो एटा केते हबो 10 डिग्री तापर मेजर ऑफ एंगल टोटल टा ए एंगल टा 40 डिग्री टोटल टा 40 डिग्री माने यार समद्विखंडक कोटा एम एटा हला यार समद्विखंडक ता माने एटा 20 डिग्री हबो बाकी जहा रहला 20 डिग्री हबो एटा ऑलरेडी 10 डिग्री हेछि तो आउ केते हेले 20 हबो आउ 10 हेले 20 हबो तो सेथि पई ए एंगल टा हबो एम ए एन टा 10 डिग्री ठीक अछि। देन क्वेश्चन नंबर 9 रो आंसर हला निम्नस्थ संभाव्य उत्तर गुड़िक मध्य केउटी एक त्रिभुज को दुईट समक्षेत्रफल विशिष्ट त्रिभुज रे परिणत करे एक्चुअली एटा हला मध्यमा मध्यमा ही दुईटा इक्वल ट्रायंगल रे बा इक्वल एरिया थिबो ट्रायंगल रे डिवाइड करे ठीक अछि। देन क्वेश्चन नंबर 10 ए बी सी रे मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री मेजर ऑफ एंगल बी इक्वल टू 3 मेजर ऑफ एंगल सी हेले मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू केते हबो यार आंसर हबो 30 डिग्री आंसर देखि देबा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होउछि ए देइछि 60 डिग्री तो बी केते 3 सी काहे कि ना सी रो 3 गुण बी तो सी टा सी तो केते हला सी इक्वल टू एथि सॉल्व कोले हे जइबो 30 डिग्री ठीक अछि। ए डॉक्यूमेंटा भी मु अपलोड कर देबी डिस्क्रिप्शन रे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन घंटा रे समय
11 बजिक 20 मिनिट होता बेले घंटा घंटा और मिनिट घंटा मध्य कोणर परिमाण केते हबो तो 11टार ओपोजिट केते 5 11टा 25 हेले सेटा 180 डिग्री हबो तो 11टा 20 हिजि माने 30 डिग्री माइनस कर दियो गोटे जारु गोटे जाकु मूव कले तार परिमाण हला 30 डिग्री तो 5 रु 4 को माइनस कर देले 11टा घंटा घंटा 11टा थिबो आ मिनिट घंटा 4टा रे थिले जाय 11टा 20 हबो तो 11टा 20 हेले केते डिग्री हबो 150 डिग्री बा 150 डिग्री ठीक अछि। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 अछि एबीसी रो क्षेत्रफल 28 वर्ग सेंटीमीटर अटे जदि डी ओ ई यथाक्रमे बी सी ओ ए बी रो मध्यबिंदु होंति तेबे बी डी ई रो क्षेत्रफल केते हबो यार आंसर हला 7 वर्ग सेंटीमीटर बा 7 स्क्वायर सेंटीमीटर देखि देबा। क्वेश्चन नंबर 12 7 वर्ग सेंटीमीटर काहे कि ना सबुठु जदि आमे एडा बडे ट्रायंगल अछि एठी जदि आमे मध्यमा ड्र करबा एठी पुनी मध्यमा ड्र करबा एठी पुनी जदि मध्यमा ड्र करबा तो इक्वली चारटा ट्रायंगल हबो ठीक अछि इक्वली चारटा ट्रायंगल हबो टोटल बडो ट्रायंगल रो जदि 28 वर्ग सेंटीमीटर हला तो चारटा ट्रायंगल रो सब समान हबो तो 28 हरण 4 कर देले आंसर मिल जइबो 7 स्क्वायर सेंटीमीटर ठीक अछि। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हला क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 अछि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी रे मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री ओ एसी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हेले एबी रो दैर्घ्य केते हबो एबी रो दैर्घ्य केते हबो यार सॉल्यूशन हला क्वेश्चन नंबर 13 एबीसी ट्रायंगल अछि समद्विबाहु त्रिभुज अछि एटा देछि 90 डिग्री तो ए बाहु समान अछि एटा 5 माने एटा 5 हबो तो पिथागोरस उपपाद्य कोन कहुछि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच रो स्क्वायर तो एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रो रूट ऑफ 4 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर रो रूट ऑफ 4 केते 50 50 रो रूट ऑफ 4 केते 5 रूट 2 तो आंसर हबो यार 5 रूट 2 ठीक अछि। एबीसी रे नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रायंगल एबीसी रे मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी इक्वल टू 75 डिग्री और मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू 130 डिग्री हेले मेजर ऑफ एंगल बी केते हबो यार क्वेश्चन रो आंसर अछि बा यार आंसर अछि 25 डिग्री ठीक अछि तार आंसर केमती होछि देखि देबा मेजर ऑफ एंगल ए 75 डिग्री दैछि मेजर ऑफ एंगल सी 130 डिग्री दैछि गोटे सेकेंड मेजर ऑफ एंगल ए प्लस बी इक्वल टू 75 डिग्री ए प्लस बी इक्वल टू 75 डिग्री माने ए इक्वल टू 75 डिग्री माइनस बी मेजर ऑफ एंगल ए सॉरी बी प्लस सी इक्वल टू 130 डिग्री तो सी इक्वल टू 130 डिग्री माइनस बी एटी अप्लाई कर देबा ए 75 डिग्री देछि सॉरी ए देछि 75 डिग्री माइनस बी प्लस बी जारे बी लिखिला सी जारे 130 डिग्री माइनस बी तो एटी हमें पाई जइबा बी बी केते देछि 25 डिग्री ठीक अछि। द नेक्स्ट क्वेश्चन यार आउ थरे कहू छी मु यार डिस्क्रिप्शन रे मु लिंक दे देबी पीडीएफ रो तो निजे चेक भी कर देबो ठीक अछि तथापि यदि किछ बुझि न होबो देन यू कैन आस्क मी। द नेक्स्ट क्वेश्चन होला एबीसीडी एक रम्बस अटे जदि मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री हुए तबे मेजर ऑफ एंगल सीडी भी केते होबो 15 क्वेश्चन नंबर 15 हला एडा बडे रम्बस अछि सॉरी एबीसीडी एक रम्बस अटे जदि मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री हुए तबे मेजर ऑफ एंगल सीडी भी केते होबो मेजर ऑफ एंगल सीडी भी केते होबो 60 डिग्री काहे कि ना रम्बस रो ओपोजिट सबु कोण सबु बा ओपोजिट एंगल सबु समान होंती ठीक अछि। देन क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 कोन कहूछि गोटे सामांतरिक चित्र रे कर्णद्वयर छेद बिंदुरु 8 सेंटीमीटर विशिष्ट यहार भूमि प्रति अंकित लंब 6 सेंटीमीटर हेले सामांतरिक चित्र रो क्षेत्रफल केते तो क्वेश्चन नंबर 16 रो आंसर देखिबा एडा हला सामांतरिक चित्र तापरे एटा देछि 6 सेंटीमीटर उच्चता एटा देछि भूमि 8 तो आमे जानिछु कि त्रिभुजर क्षेत्रफल हाफ इंटू भूमि इंटू उच्चता तो हाफ इंटू भूमि रो केते 8 इंटू उच्चता केते 6 तो एटा केते हला 24
तो ए गोटे ट्रायंगल रो क्षेत्रफल हैला 24 सेंटीमीटर बा 24 मीटर किछि भी दैछि तो चारटा ट्रायंगल सेम सेम अछि तो 24 इनटू 4 कर देले केते पाइबा हमें 96 तो यार आंसर हे वाला 96 स्क्वायर सेंटीमीटर ठीक अछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 17 गोटे रंबस रो कर्ण द्वय रो दैर्घ्य यथाक्रमे 6 सेंटीमीटर ओ 8 सेंटीमीटर हेले यहार जेकोनसी दुईटी बाहु रो दैर्घ्य रो समष्टि केते हबो देखिबा क्वेश्चन नंबर 17 देछि तो 17 पे फॉर्मूला उठे हला कि D1 माने कोनोसी भी कर्ण यदि बाहर कर पारथबो D1 कर्ण यदि बाहर कर पारथबो ता पे फॉर्मूला हला 4 स्क्वायर माइनस D2 रो स्क्वायर रो रूट ओवर यदि D2 बाहर कर पारथबो तो 4 स्क्वायर माइनस D1 रो स्क्वायर रो रूट ओवर ए फॉर्मूला अप्लाई कर कि कैलकुलेट कर पारिबो तार आंसर हे जीवो 10 17 रो आंसर होची 10 सेंटीमीटर ठीक अछि। तो क्वेश्चन नंबर 18 ट्रायंगल एबीसी रे 2 मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल टू 3 मेजर ऑफ एंगल बी इक्वल टू 6 मेजर ऑफ एंगल सी हेले मेजर ऑफ एंगल बी केते माने ए रो 2 गुण इक्वल टू बी रो 3 गुण इक्वल टू सी रो 6 गुण हेले बी कोण केते तो यार आंसर देखि देबा क्वेश्चन नंबर 18 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 6c तापर आमे जानि छु a प्लस b प्लस c इक्वल टू 180 तो ए जारे आमे कोण लिखि परिबा 3b बाय 2 बी जारे कोण लिखि परिबा आमे बी जारे सेम बी सी जारे कोण लिखि परिबा आमे 3b बाय 6 तो याकु जदि सॉल्व करबा आमे पाइबा केते आंसर पाइ जिबा 60 डिग्री ठीक अछि। एडा को प्लस कर के सॉल्व करले b इक्वल टू 60 डिग्री। द नेक्स्ट क्वेश्चन हला क्वेश्चन नंबर 19 गोटिए वर्गचित्र रो बाहु रो दैर्घ्य 4 सेंटीमीटर अटे यहार कर्ण उपरे अंकित एक्चुअल क्वेश्चन नंबर 19 भी मु स्किप करिछि काहेकि ना यार भी डबल आंसर बाहुतला दुटा आंसर बाहुतला त मु कंफ्यूज अछि। देन क्वेश्चन नंबर 20 अछि गोटे ट्रापेजियम रो समांतर बाहु द्वय रो दैर्घ्य यथाक्रमे 6 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर अटे यहार प्रत्येक असमांतर बाहु द्वय रो दैर्घ्य 5 सेंटीमीटर हेले ट्रापेजियम रो उच्चता केते क्वेश्चन नंबर 20 आंसर हला यार 5 ठीक अछि काहेकि ना समांतर बाहु द्वय रो दैर्घ्य देछि 6 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर ए बाहु समान तो 6 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर असमांतर बाहु द्वय रो दैर्घ्य 5 सेंटीमीटर असमांतर माने को बाहु असमांतर अछि ए बाहु अछि 5 सेंटीमीटर तो ट्रापेजियम रो उच्चता केते हबो आंसर हबो 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हला कि गोटे समद्विबाहु त्रिभुजर उच्चता और प्रत्येक समान बाहुर दैर्घ्य देछि यथाक्रमे 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तो त्रिभुजर क्षेत्रफल केते तो यार आंसर देखि देबा त्रिभुजर क्षेत्रफल केते 12 स्क्वायर सेंटीमीटर काहेकि ना एडा देछि 4 सेंटीमीटर एडा देछि 5 सेंटीमीटर तो हाफ इंटू भूमि गुणन उच्चता ठीक अछि 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर प्रत्येक समान बाहुर दैर्घ्य एडा बाहु समान एडा बाहु समान तो एडा देछि एडा हमें केमती कैलकुलेट करबा ना एडा पिथागोरस उपपाद्य अप्लाई करके हमें कैलकुलेट करबा एठी पाई जबा हमें 3 तो 3 प्लस 3 एडा भी 3 जदी हला एडा भी 3 होबो तो 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 हाफ इनटू भूमि गुणन उच्चता हाफ इनटू 6 इनटू उच्चता केते 4 देछि हमकू तो केते होबो आंसर हे जइबो यार 12 स्क्वायर सेंटीमीटर ठीक अछि। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हला कि गोटे षडभुजाकृति पिरामिड रो धार ओ पार्श्व संख्या मिसि केते तार धार ओ पार्श्व संख्या मिसि कि हबो 19 एडा बहुत इजी क्वेश्चन डे आस्तला तार आंसर हबो 19 ठीक अछि। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 23 गोटे आयतचित्र परिसीमा देछि 62 सेंटीमीटर क्षेत्रफल देछि 168 वर्ग सेंटीमीटर यहार कर्ण रो दैर्घ्य केते तो क्वेश्चन नंबर 23 हला यहार कर्ण रो दैर्घ्य हबो पी देछि 62 पेरिमीटर परिसीमा तो परिसीमा रो फार्मूला हला 2 इनटू एल प्लस बी तो एल प्लस बी इक्वल टू केते हला 31 ए देछि 168 एरिया तो एल इनटू बी इक्वल टू केते एल इनटू बी इक्वल टू हला 168
याकु 24 आउ 7 को जदी ऐड करिवा 31 होची 24 आउ 7 को मल्टीप्लाई करले 168 होची ठीक अछि तो हमरो लेंथ एटा लेंथ हे पारे एटा ब्रेथ हे पारे आइदर एटा लेंथ हे पारे एटा ब्रेथ हे पारे किछि फरक पडुनी तो हमें लेंथ पाइले ब्रेथ पाइले तो कर्नो हमें कैलकुलेट इजीली करि परबा पिथागोरस उपपाद्य अप्लाई करो कि फार्मूला अप्लाई करो ठीक अछि तो आंसर अब यारो 25 स्क्वायर सेंटीमीटर देन नेक्स्ट क्वेश्चन एको एकक बाहु विशिष्ट 27 टी छोटो रंगहीन समघनाकृति गोटी नै गोटीए बड समघन गठन कराउला बड समघन रो दुई सम्मुखिन पार्श्व को धळा रंग अन्य दुई सम्मुखिन पार्श्व को नाली रंग ओ अवशिष्ट दुई सम्मुखिन पार्श्व को सबुज रंग दियागला तो बड समघन टी को जदि पुनर्बार सही 27 खंड छोटो छोटो समघन रे परिणत करा जाय तेबे सेथि मध्यरु केतोटी रो केवल दुईटी पार्श्व रंगीन होइतबो ए क्वेश्चन रो एग्जैक्ट आंसर पाइबो तमे पजल खेली छ 3 क्रॉस 3 रो क्यूबिक पजल बस से पजल देखिले ही तमे यारो आंसर पाइजबो पजल देखिबो तार एज जोटा थाए एज फर्स्ट गोटे गोटे थाए तबर सेकंड गोटे गोटे थाए थर्ड गोटे गोटे थाए तो फर्स्ट आउ साइड को कॉर्नर कोहंती तो मझीटा जोटा रहला सेटा को एज कोहंती आ पूरा सेंटर रे जोटा रहछि ताको सेंटर कोहंती तो सेमति एज केतेडा अछि गोटे साइड रे एज केतेडा अछि बा गोटे लेयर रे एज केतेडा अछि तो गोटे लेयर रे एज अछि 4टा तो 3टा लेयर थाए तो 3टा लेयर रे एज केतेडा रहइबो 12टा तो आंसर हो यारो 12 ठीक अछि देन कम टू क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 हला एबीसीडी चतुर्भुज रे एसी इक्वल टू सीडी इक्वल टू डीए एवं मेजर ऑफ एंगल एबीसी देछि 90 डिग्री जदि बीसी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर ओ सीडी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हुए तेबे एबीसीडी चतुर्भुज टी रो क्षेत्रफल केते हबो क्वेश्चन नंबर 25 देखिबा एबीसीडी देछि चतुर्भुज एडा देछि 90 डिग्री एटा देसी 20 सेंटीमीटर एटा 20 सेंटीमीटर एटा 20 सेंटीमीटर तो एबीसी रो क्षेत्रफल कोण हाफ इनटू भूमि गुणन उच्चता हाफ इनटू 12 इनटू 8 एटा हला 12 केमती बाहर कोले ना यारो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला पके कि हमें अप्लाई कोले गुड सेकंड क्वेश्चन रे देसी बीसी सॉरी बीसी देसी 12 सेंटीमीटर देन ABC 90 degree, ABC 90 degree, then आउ कौन देछि AB equal to CD equal to DA, आउ कौन देछि CD 20, माने AB, AC, CD, DA सबु 20, AC, CD, DA सबु हला 20, एटा 20, एटा 12, एटा पाई परिबा हमें, calculate करि परिबा, पिथागोरस उपपाद्य apply करि कि, तो एटा हे गला 16, तो ABC रो क्षेत्रफल हमें बाहर करले 96, तो एडीसी रो क्षेत्रफल बाहर करले एडीसी समबाहु त्रिभुज रो क्षेत्रफल रो फार्मूला रा √3/4 स्क्वायर तो √3/4 20 20 एटा हला 100√3 तो दीटा रो क्षेत्रफल को जदी हम ऐड कर देबा तो टोटल रो क्षेत्रफल बाहर गला यार अछि 96 प्लस यार बाहरला हमरो 100√3 तो 96 प्लस 100√3 हे जइबो यार आंसर ठीक अछि तो नेक्स्ट क्वेश्चन हला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 6 आउ x इक्वल टू xy yz xz यारो समेशन माने x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर जहां xy प्लस yz प्लस xz भी सही आ तार वैल्यू केते हिची 6 क्वेश्चन पचार छि x माइनस y रो होल स्क्वायर प्लस y माइनस z रो होल स्क्वायर प्लस z माइनस x रो होल स्क्वायर रो मान केते तो एटा इज वेल हम कैलकुलेट करबा ना ए टर्म टे पाइबा हमें ए टर्म गुटे पाइबा तो दीटा प्लस माइनस कैंसिल हे जइबो आ आंसर हे जइबो 0 ठीक अछि निजे सॉल्व करिवो नहले पीडीएफ रे मु सॉल्व कर दै छी एटा सॉल्व कर दै छी देन नेक्स्ट क्वेश्चन हला 27 27 क्वेश्चन हला कि गोटी आयत घनाकृति पानी कुंडर भीतर पाखर दैर्घ्य प्रस्थ उच्चता दै छी 105 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर 56 सेंटीमीटर पूर्ण कुंडटी रे केते लीटर पानी धरिवो तो केते लीटर पानी आमे जदि कैलकुलेट करबा तो फर्स्ट आमे कोन करबा यार आयतन बाहर करबा को पड़िबो आयतन केमति बाहर करबा ना दैर्घ्य इनटू प्रस्थ इनटू उच्चता तो आयतन बाहरि जइबो आयतन हला पर आमे कोन करबा आयतन जहां बाहरिबो सेटा सेंटीमीटर क्यूब रे बाहर करि परबा आयतन जहां भी बाहरिबो सेटा हबो सेंटीमीटर क्यूब तार एकक
ठीक अच्छे तो आंसर है गला 470400 एटा सेंटीमीटर क्यूब है एक लीटर को 1000 सेंटीमीटर क्यूब तो एति की सेंटीमीटर क्यूब को केते लीटर हबो आंसर है जीवो डिवाइडेड बाय 1000 कोले आंसर है जीवो 470.4 लीटर हबो आंसर हमरो ठीक अच्छे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 2√6 डिवाइडेड बाय √2 + √3 + √5 को सरल कले केते हबो यार आंसर हबो 28 रो आंसर हला √2 + √3 - √5 √2 + √3 - √5 एटा मु सॉल्व कर दे छी देखिबो केमिति सॉल्व कर छी एठी मु एटा को ए नै छी एटा को बी नै छी ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी मल्टीप्लाई करले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला पके छी पीडीएफ अपलोड कर देबी डिस्क्रिप्शन रे तो यार सॉल्व बाय यार सॉल्यूशन देखि दबो ठीक अछि। देन क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 29 कोन कहू छी गोटे गणन संख्या और तहार व्युत्कमर वियोगफल 35/6 हेले संख्याटी केते सपोज गणन संख्याटी एक्स तार व्युत्क्रम 1/x एक्स माइनस 1/x कले केते हबो 35/6 होची तो x इक्वल टू केते x जदि बाहर कर देबा तो आंसर हमें पाई जीवा तो 29 भी मु सॉल्व कर दे छी पीडीएफ रे यार आंसर हला 6 ठीक अछि 29 भी एटा सॉल्व कर दे छी यार आंसर 6। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 30 रे कोन कहिछि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 27 + 9xy डिवाइडेड बाय x² + y² + 9+xy + 3y - 3x रो घात केते सॉरी रो मान केते ठीक अछि यार सॉल्यूशन कोन हबो ना या पय गुडा फार्मूला अछि फार्मूला टा कोन a³ + b³ + c³ - 3abc इक्वल टू कोन हुए a+b + c (a²+b²+c²) - ab - bc - ca हुए तो एडा मु सॉल्व कर दे छी यार आंसर भी अछि ठीक अछि आंसर दे दे छी आंसर ला x - y + 3 तो निजे चेक कर देबो सॉल्यूशन सॉल्व कर दे छी। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन ओके मु गोटे काम करू छी यार दीटा पार्ट कर दोची एतिग्रे मु वीडियो फिनिश करूची एठी एडा गोटे पार्ट सेकंड पार्ट मु काली नेक्स्ट टाइम अपलोड कर देबी आउ थरे बनेबी नेक्स्ट 30 क्वेश्चन आउ से सेकंड पार्ट रो डिस्क्रिप्शन रे मु पीडीएफ रो लिंक दे देबी ठीक अछि। सो हियर वी कंप्लीट आवर वीडियो प्लीज कीप वाचिंग माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम डिजिटल बुक एंड या परे परे मु क्वांटिटेटिव एंड एप्टीट्यूड क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड जोटा कि कहूँ आमे तो सेटा हला आजिकल जहाँ भी एग्जाम दौच कंपिटेटिव एग्जाम किसी भी दौ पठाणी सामंत है ओलंपियाड है किसी भी मैथ एग्जाम दि बेसिकाली से मैथ को लेकिन अच्छे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूडा तो तार मुझे गोटे प्ले लिस्ट बनैबी तुम लेवेल क्वेश्चन आसती बस टी एडवांस लेवल ठीक अच्छे तो SSC एग्जाम दि कि रेलवे एग्जाम दि कि तुम ग्रुप डी दि ग्रुप सी दि किसी भी एग्जाम दियो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहो तार है मेरुदंड एग्जाम रो मेरुदंड सब हूँ कौन ना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जोटा कि मैथ ही जनरली हला मैथ किंतु टिके एडवांस लेवल रो बट तुम सिलेबस रे जेतिकी होची सेतिकी रो अछि ठीक अछि तो तार मु गोटे प्लेलिस्ट बनेबी से वीडियो अपलोड करबा स्टार्ट करबी तो मैथ सीरीज कंप्लीट हे गला परे देन भाबीबा कोन पुनी नेक्स्ट प्लेलिस्ट बनेबा एंड तार किसीटा पोर्सन मु पठाणी सामंत एग्जाम ऑलरेडी मु प्रिपेरेशन दे दे तार कितना पोर्सन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रो तो जो जोटा मु एडवांस कही तुमको वीडियो रे मन पकेबो वीडियो जिते बेले मु अपलोड करिसि कि वीडियो रे जिते बेले मु माने क्लास करथले से टाइम रे कहि देथिलि कि एटा एडवांस पोर्सन माने ला सेटा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रो पोर्सन जेमते कि कैलेंडर ट्रिक्स कहितली स्क्वायर एंड क्यूब रो ट्रिक्स कहितली सिंपल इंटरेस्ट रो एडवांस पोर्सन कहितली प्रॉफिट एंड लॉस रो एडवांस पोर्सन कहितली रेशियो प्रोपोर्शन रो एडवांस पोर्सन कहितली ठीक अछि तो जेते सारा भी मु एडवांस पोर्सन कहि छी सेटा क्वांटिटेटिव एंड एप्टीट्यूड रो पोर्सन ठीक अछि तो बाकी जहां रहला मु नेक्स्ट वीडियो रे कंप्लीट करबी यार आउ तापर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रो भी प्लेलिस्ट मु क्रिएट करिके ताप भी वीडियो बनेबे ठीक अछि। सो थैंक यू बाय बाय।